पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिविल लाइंस पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर देर रात ग्राम मझिया के पास दबिश दी गई। दबिश होते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने एक राइफल और चार तमंचे भी बरामद किए हैं। एक बदमाश से थाना सिविल लाइन से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, उसमें बदमाश को गोली लगी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बदमाश से पुलिस को चार तमंचे और एक राइफल बरामद हुई है। उसके एक साथी भी था इसके साथ में जो ईटा का रहने वाला है, शातिर बदमाश है और वो मौके से फरार हो गया था। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर कोई इनाम भी हो सकता है? इस पर इसका पता कराया जा रहा है कि लोगों को इनाम भी कैसे था, ये इनका पता कराया जा रहा है। सर ये लोग किस तरीके को कुछ असले बनाते थे? ये इनके हर चीज़ के इनके क्या क्या अपराध हैं, क्या क्या करते थे, इसे हॉट चीज़ में कल हुई है जो घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है, इसमें बाकी सब चीज़ों को पता कराया।